हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी डॉट कॉम। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज से हम मध्यकालीन भारत को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका मध्यकालीन भारत का जो है वो पहला लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण और महमूद गजनबी का आक्रमण, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो इस क्वेश्चन पर हो जाते हैं कि पहला मुस्लिम हमला किसने किया था और पहला तुर्की का हमला किसने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला मुस्लिम हमला किसने किया था। तो पहला मुस्लिम हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो क से आपको याद रखना है कसाब, ठीक है। कसाब कहाँ से था, पाकिस्तान से था, ठीक है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो कसाब से आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। तो पहला मुस्लिम हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरी तरफ पहला जो तुर्की का हमला हुआ था, तो पहला तुर्की का हमला किया था महमूद गजनबी ने, ठीक है। तो इसने कुल 17 हमले किए थे और इसका जो पहला हमला था वो 1000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये सब हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अरबों का आक्रमण, तो देखो जो मैंने आपको बोला था कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। वो कहाँ से था, वो अरब से था, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, और ये किस कंट्री से बिलोंग करता था, अरब से करता था, ठीक है। तो इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं। तो महमूद गजनबी कहाँ से था, ये तुर्की से था, ठीक है, ये तुर्क से था। फिर इसके बाद आपको इसके शासनकाल याद रखना है कि इसका जो शासनकाल है वो 972 से लेके 977 तक इसका जो है वो शासनकाल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मोहम्मद गजनबी सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन का पुत्र था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। कितने किए थे, 17 आक्रमण किए थे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने हमले किए थे, 17 आक्रमण किए थे। आगे चलते हैं, महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, तो 1025 ईस्वी में होने वाला जो आक्रमण था, सोमनाथ का आक्रमण, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो सौराष्ट्र में है, ठीक है। तो 1025 वाला जो इसका आक्रमण जो इसने सोमनाथ मंदिर पर किया था, वो सबसे चर्चित आक्रमण था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसने पहला आक्रमण कब किया था, तो महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब देखो, जैसे ही महमूद गजनबी ने भारत पर हमला करके सब कुछ लूट वगैरह करके जब ये वापस जाने लगा 1027 में, तो 1027 में इसी के लूटे हुए माल को लूटने के लिए जाटों ने इस पर हमला कर दिया, महमूद गजनी पे, ठीक है। लेकिन महमूद गजनबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी महान था, ठीक है, इसके पास काफ़ी सेना थी। तो इसने क्या किया कि इसने इन जाटों को हरा दिया। अब देखो, जो बंदा पूरे के पूरे भारत को लूट के जा रहा है, कोई एक छोटा सा या फिर कोई एक छोटा सा गुट उस आदमी को कैसे लूट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जाटों ने मोहम्मद गजनी को लूटने की कोशिश की, ठीक है। और महमूद गजनी और जाटों के बीच में 1027 में फिर आक्रमण हुआ था, यानी कि इन दोनों में लड़ाई हुई थी, ठीक है, युद्ध हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि पहला आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में किया था, और लास्ट कब किया था, 1027 में किया था। और जो 1025 वाला था, वो सोमनाथ का जो इन्होंने मंदिर लूटा था, वो सबसे चर्चित आक्रमण था, ठीक है। इतना आपको महमूद गजनबी के बारे में याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे है आपका महमूद गोरी, ठीक है। तो महमूद गोरी ने भारत पर कुल 3 आक्रमण किए थे, ठीक है, यानी कि महमूद गोरी ने भारत में कुल 3 युद्ध किए थे। तो पहले युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो इन तीनों का जो वर्ष है वो बिल्कुल सीरियल वाइज है, यानी कि तराइन का पहला युद्ध जो था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था, और जो तीसरा युद्ध था चंदावर का वो 1194 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और हुआ किसके किसके बीच में था, तो एक तरफ तो मोहम्मद गोरी होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत गया था, लेकिन इसी कारण इन्होंने क्या किया कि ये फिर एक साल बाद फिर से आया इसी के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन इस बार जो गोरी था वो जीत गया था, ठीक है। उसके बाद फिर एक साल को छोड़ के चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने जयचंद को हराया था, ठीक है, इसमें फिर से गोरी जो था वो जीत गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने अपने गुलामों को जीते हुए राज्य जो थे वो सौंप दिए थे, और खुद ये चला गया था अपने देश में। फिर यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना हुई, ठीक है। अब जो गुलाम इसने यहाँ पे
छोड़ दिए थे, फिर उन्हीं गुलामों ने यहाँ पर शासन किया। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर बनाई। ठीक है, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यानी कि इसको बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया था और ये बनना शुरू हो गया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके कंप्लीट होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि 1206 में अगर गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो 1210 ईस्वी में इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, यानी कि टोटल 4 वर्ष जो था वो इसने शासन किया था। फिर इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने राजगद्दी संभाली। ठीक है, फिर इसी इल्तुतमिश ने इसी कुतुब मीनार का जो निर्माण चल रहा था इसको कंप्लीट करवाया। ठीक है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये कुछ सिक्के थे, ये किसने जारी किए थे? तो ये इल्तुतमिश ने जारी किए थे। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में है, ठीक है, तो इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाख भक्ष किसको कहा जाता है? तो लाख भक्ष भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों का दान करता था। ठीक है, यानी कि ये काफी दानी व्यक्ति था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको एक बात बोली थी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। तो इसी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, यानी कि सेना नायक था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो इसी बख्तियार खिलजी ने इसी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी और इसके बाद इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने राजगद्दी संभाली 1211 में, और इसने सबसे पहले जो इसकी राजधानी लाहौर थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी उसको ट्रांसफर किया दिल्ली में। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद देखो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की भी मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद एक महिला मुस्लिम जो शासिका थी उसने राजगद्दी संभाली, जिसका नाम था रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम नाम था इसका। ठीक है, तो रजिया बेगम से एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी प्रथम महिला मुस्लिम थी जिसने शासन किया था? ठीक है, तो उसका नाम था रजिया बेगम। तो रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन किया था। आगे चलते हैं, फिर रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? तो फिर रजिया सुल्तान के बाद आया था बलबन। ठीक है, तो बलबन ने षड्यंत्र करके राजगद्दी अपने पास रख ली। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस जो ये जो बलबन था इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। ये जो बलबन था ना ये काफी क्रूर था। ठीक है, काफी क्रूर था ये, इसीलिए आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि सिजदा व पावोस प्रथा। ठीक है, सिजदा व पावोस प्रथा जो थी वो किसने शुरू की थी? तो वो इसी ने, बलबन ने शुरू की थी। उसके बाद लोह एवं रक्त नीति, कौन सी नीति? लोह एवं रक्त नीति निर्माण किसने करवाया था? तो इसी ने, बलबन ने ही करवाया था। ठीक है, यानी कि ये जो बलबन था ये काफी क्रूर आदमी था। ठीक है, उसके बाद एक प्रसिद्ध कवि है जिसका नाम है अमीर खुसरो, यानी कि ये किसके शासनकाल में थे? तो ये इसी बलबन के शासनकाल में थे, यानी कि इसी के समकालीन थे। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है कि सेम इनका जो टाइम पीरियड था वो चल रहा था। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक जो कवि था वो काफी फेमस था, काफी मशहूर था, उसका नाम था कालिदास। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है कि कालिदास किस राजा का समकालीन था? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।